हेलो गाइस, सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अकेला आया हूँ, बाकी मेरे टीम सब अलग अलग जगह उतरे हैं। तो मुझे उतरते ही ये एक इजी स्क्वाड वाइप मिल जाता है, तो देखिए वीडियो आगे तक। यहाँ पे मेरे साथ ना वेस्ट है, ना हेलमेट, और ना ही ठीक ढंग का कोई हीलिंग। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, यहाँ से ग्रेनेड व्रेनेड फेंकता हूँ ताकि अगर हो सके तो नॉक हो जाए, लेकिन कोई होता नहीं है। तो जो फर्स्ट किट था उसको ही यूज़ करता है, और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पहले वाला तो जो नॉक किया था वही था, फिनिश कर दिया उसको, किल कंफर्म किया, और मुझे दूर से ही दिखा कि वो ऊपर जाकर लेट गया, तो उसको भी नॉक किया। तो मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे रहना कोई ठीक मतलब समझदारी का काम नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पीछे जाकर ढंग का लूट कलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा फ्लैंक करता हूँ ताकि वो लोग अपना पोजिशन मतलब बदल ले और मुझे ईजी हो उन्हें मारने में। तो मैं यहाँ कूदते कूदते देखता हूँ कुछ ढंग का मिलता है कि नहीं। तो लूट के नाम पे एमओ भी ठीक ठाक ही है, खाली वेस्ट है शायद लेवल वन का, पता नहीं कौन सा है, और हेलमेट तो यही नहीं। तो इन लोगों को मैं थोड़ा सा और लेफ्ट जाके मार के आता हूँ। मैं घूम के यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, तो आके मैं ज़रा टीवी लेता हूँ ताकि कोई दिख जाए अगर है तो छुपा हुआ। तो मैं यहाँ पे तो कोई आसपास तो है नहीं, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और दिखता है कि वो दोनों ही ऊपर चढ़ गए वहाँ से ट्रैम्पोलिन से। इन्हें नॉक करने के तुरंत बाद ही मैं इन लोग को रिवाइव होने का चांस नहीं देता, अगर रिवाइव हो गए तो मेरे लिए दिक्कत होगी, तो मैं तुरंत आगे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे दो बंदा ख़त्म हो चुका है, अभी एक रिवाइव दे रहे और एक नॉक है, तो इन लोगों को भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो इधर में ये स्क्वाड वाइप और ये सेलिब्रेशन का एरिया भी क्लियर, अब हमारा हो चुका है सारा लूट, हमारा हो चुका है। तो इधर से थोड़ा बहुत लूट करते हैं। तो हमको लूट करते करते एक बंदा उस घरों में दिखता है, पता नहीं रियल बंदा है या बॉट है, तो मैं उसी को टीपी पे लेके बैठा रहता हूँ। तो वो एक घर से दूसरे घर में गया, तो उसी के लिए वेट करता हूँ, आ गया वो। तो वहाँ से जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब कलेक्ट करके हम उड़ते हुए जा रहे हैं रोजॉक की तरफ, ताकि अगर कोई है तो किल मिल सके। तो देखते हैं क्या मिलता है आगे रोजॉक पे। अनफॉर्चुनेटली रोजॉक में तो कोई होता नहीं है, तो इसीलिए मैं गैरेज से गाड़ी लेता हूँ और निकल जाता हूँ। और गाड़ी तो है ही क्लिच, क्या ही कहे, पबजी का रेगुलर है। तो मुझे पीछे से बहुत दिखता है, तो उसको भी फिनिश करते हैं। तो वो बॉट को बिना लूटे ही छोड़ के हम गाड़ी लेके अपने बचे हुए टीममेट को उठाते हैं, बाकी दोनों तो ख़त्म हो चुका है मतलब शहीद हो चुका है।
और मेरे टीममेट को आगे दिखता है बंदे गुंडे, तो चलो यहाँ पे दो बंदा तो ख़त्म, लेकिन ये दोनों भी किसी और से लड़ रहे थे, तो उनको भी ख़त्म करना होगा जल्दी जल्दी से। तो देखते हैं इनके क्रेट में क्या है, कोई टंका तो ही नहीं, तो चलो बाकी के लोगों को भी ख़त्म करते हैं। एकदम से आखिरी गोली में मरता है ये बंदा, तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये ख़त्म होगा, लेकिन हो गया। और इसी के साथ पोचिंग की भी क्लियर, आगे एक बॉट है तो उसको भी मारा जाएगा, तो चलो। पोचिंग की से निकल के हम लोग निकल ही रहे थे कि हमारे पास से एक गाड़ी गुजरती है, इसीलिए मैं रुकता नहीं, सीधा आगे बढ़ता रहता हूँ, क्योंकि एक कार फाइट लेना बेवकूफ़ी होगी, सिर्फ एक ही बंदा गोली चलाएगा हमारा। तो यहाँ से देखता हूँ वो लोग कहाँ रुके, फिर हम लोग पुश करेंगे उन लोग के ऊपर। लेजर स्प्रे देने की एक नाकाम कोशिश, कोई नॉक नहीं होता तो, लेकिन डैमेज मिलता है शायद से, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसे, तो निकलना ही होगा जल्दी जल्दी। चलो कोई मुझे ये बताओ, ये इतना खाने के बाद भी नॉक क्यों नहीं हुआ? एक बार नहीं, और फिर से होने वाला है ये, कि इतना गोली लगने के बाद भी नॉक नहीं होता। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। और लो ये भी नॉक हो गया। अब तो आप लोगों को बताना होगा भाई, ये कैसे नॉक नहीं हुआ? बताओ कितना गोली लगा इसको? लेवल 3 का अगर फेस तो हेलमेट भी होगा तो भी नॉक होना चाहिए। पता नहीं, कमेंट में बताओ जल्दी से क्या हो रहा है यहाँ पे। लगता है पबजी आज पूरे मूड में है, इतना गोली लगने के बाद भी कोई नॉक नहीं हो रहा। जो आखिर में टैप टैप ही काम आया। कोई फ़ायदा नहीं, मेरा ये मैसेज नहीं देख पा रहा, तो कुछ करना ही होगा, मैसेज देखे कोई फ़ायदा नहीं, तो चलो खुल जाते हैं, जो है उसी से काम चलाते हैं। दो ग्रेनेड से एक नॉक, तो ये टाइम है टपा टप रश करने का, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
फाइनली यारो दोस्तों भाइयों फाइनली ये स्क्वाड ख़त्म। बहुत मुश्किल दिया रे भाई इन लोगों ने, कितना कुछ किया इन लोगों को मारने के लिए। कोई नहीं, आखिर में विक्ट्री। तो पोचिंग की मैं जोन नहीं था, तो इसीलिए वहाँ से निकल कर हम लोग यह पहाड़ी में आए हैं। हाई ग्राउंड है तो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ पे आके देखते, पहले से ही एक गाड़ी आई हुई है, तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कितना किल मिल पाता है हम लोग को। इधर भी ये स्क्वाड वाइप्ड, तो तीन बंदा अलग अलग थे, ख़त्म हो गए। तो चलो फिर से चलते हैं, यहाँ से निकलना होगा। ये धुआँ धुआँ धुआँदार गाड़ी लेके हम लोग जोन में आ चुके हैं, तो पता है घरों में तो बंदे होंगे ही पक्का पक्का। तो फिर भी ऊपर देख लेते हैं, अगर कोई ऊपर से ना मारते तो। आगे से शॉट्स आते हैं हम लोगों के ऊपर, तो पता लग चुका है वहाँ पे बंदे हैं। तो देखो कैसे खत्म होता है ये टीम। मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता हूँ और इन लोगों को एकदम पास पहुँच जाता हूँ। तो देखो तो इधर भी ये स्क्वाड वाइप्ड, अभी एक ही बंदा बचा हुआ है, तो उसको भी फटाफट से ख़त्म करके विनर विनर वाला टाइटल लेते हैं।